वेलकम टू इंडिया टुडे. थैंक यू सर. कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई. मुझे जानना है आपको खबर कैसे पहुंची. हाउ डिड यू गेट टू नो, हाउ डिड यू फाइंड आउट, रिएक्शन क्या था? मैं तो शूटिंग कर रहा था और मुझे मेरे मैनेजर ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो फिर चेक किया मैंने, डबल चेक किया कि हाँ ये है, तो देन जाके पता चला कि हाँ ये करेक्ट है. और आपका मतलब अवार्ड्स के तरफ जो रिएक्शन होता है, द काइंड ऑफ रिएक्शन यू हैव ऑलवेज डन गुड वर्क इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट गेट्स अ नॉमिनेशन और वेदर इट गेट्स एन अवार्ड. व्हाट हैज बीन योर आउटलुक, आपका जो आउटलुक रहा है अवार्ड्स के लिए, बिकॉज आपने इतना काम करा है इन द लास्ट फ्यू इयर्स, फिल्म्स में करा है, अभी ओटीटी स्पेस में आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं. What has been your reaction to awards in general? Are you somebody जो बहुत excited हो जाते हैं nominations को लेके, या आपको लगता है नहीं it's just a part and parcel of my work? नहीं, actor को अगर correct nomination होता है जहाँ पे वाकई authenticity credibility होती है, उस चीज की खुशी तो होगी definitely. जहाँ पे मतलब सिर्फ कुछ और ही होता है, वहाँ पे मिले ना मिले, nomination हो ना हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता. जहाँ पे सिर्फ डांस करने पे एक्टर को अवार्ड दे दिया जाता है, वो अवार्ड इतनी खुशी नहीं देता, क्योंकि वो इससे पहले भी बाय रिकॉर्ड्स है कि लोगों ने पैसे दे के भी अवार्ड खरीदे हैं यहाँ पे जो होते हैं. तो उस वो मिले ठीक है, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं, ऐसा होता है. बट एक ऐसी जगह जहाँ से आपको अवार्ड मिलता है, जहाँ पे पूरे एक ग्लोबल लेवल पे और जहाँ पे आपके काम को काम की मेरिट पे आपको नॉमिनेट किया जाता है, वहाँ हर एक्टर को खुशी होगी डेफिनेटली, और उसी तरह की खुशी मुझे भी. हाँ, और ये लगता है कि हाँ जो आप चॉइस कर रहे हो वो करेक्ट है, आप किसी रेट रेस का हिस्सा नहीं. ये जो सीरियस मैन, आई वांट टू टॉक टू यू लिटिल बिट अबाउट दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड योर चॉइस. आपको जब कोई स्क्रिप्ट आती है, नरेशन आती है, या कोई प्रोजेक्ट आता है, क्या चीज होती है उसमें जो आपको इंटरेस्ट, व्हाट इज द पॉइंट दैट गेट्स यू एक्साइटेड? नरेशन में आपको किस बात पे ज्यादा आप ध्यान देते हैं, कैरेक्टर पे देते हैं, पूरी कहानी पे देते हो, या व्हाट इज इट, हाउ डू यू डिसाइड? मेरे लिए, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, पता नहीं कितने लोग मेरे से इस बात को लेके मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, बट मुझे लगता है कि कैरेक्टर पे मैं थोड़ा सा सेल्फिश हूँ और मैं कैरेक्टर पे बहुत ध्यान देता हूँ कि उसमें कॉम्प्लिकेशन है, उसका इनर कॉन्फ्लिक्ट है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है. इन तीन चार चीजों पे बेस पे मैं स्क्रिप्ट सेलेक्ट करता हूँ और मेरे डायरेक्टर कौन है. स्टोरी पे मैं इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ फ्रेंकली स्पीकिंग. मैं कैरेक्टर्स पे ज्यादा ध्यान देता हूँ कि जो कैरेक्टर करने के बाद मुझे लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टोरी आई डोंट थिंक सो स्टोरी इंपॉर्टेंट होती है. अगर थॉट प्रोसेस है या इनर वर्ल्ड है उसका, अगर हम सिर्फ एक आदमी की लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें नोमैडलैंड थी ना, सिर्फ एक लेडी है, उसकी जर्नी है, लेकिन उसके माइंड में उसका माइंड कितना क्या चल रहा है. स्टोरी तो ऐसा कोई खास भी नहीं थी, तो उस पर भी पिक्चर है कि इतने कॉम्प्लिकेशंस थे उसके माइंड में, वो ब्यूटीफुली पिक्चराइज किया गया. तो उस तरह की उसमें स्टोरी तो कुछ है नहीं. तो मेरा अक्सर मानना है कि मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ दूसरों की नज़र में, बट मुझे लगता है कि मैं कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, और इसीलिए मुझे सीधे सपाट से कैरेक्टर कभी पसंद नहीं आते. थोड़ी वियर्डनेस हो कैरेक्टर में, थोड़ा यहाँ पे कुछ हो, दिल में कुछ हो, दिमाग में कुछ हो, और उनका जो कश्मकश होती है, जो जूझता है उन चीजों से, उस पे ज्यादा मैं ध्यान देता हूँ. No, आपने बहुत सही फरमाया, बिकॉज आपका अगर करियर ग्राफ देखा जाए, आपने जो चॉइसेस करी है, वेदर इट इज बॉलीवुड और वेदर इट इज ओटीटी, उसमें आपका कैरेक्टर हमेशा स्टैंड आउट हुआ है. वेदर इट्स अ सलमान खान फिल्म और शाहरुख खान फिल्म, आपने सारे बड़े एक्टर के साथ काम किया है, बट वेन इट कम्स टू योर कैरेक्टर पीपल रिमेंबर दैट. हाउ डिफिकल्ट और हाउ ईजी इज इट टू वर्क इन अ फिल्म दैट हैज सो मच ऑफ वेट, जिसको बोलते हैं ना मीडिया काफी वजन से देखती है इस फिल्म को, बिकॉज इतना बड़ा नेम, इतना बड़ा नाम एसोसिएटेड है. क्या आपको लगता है कि इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ प्रेशर, अनड्यू प्रेशर होता है, या आपको लगता है नो इट डजंट मैटर, मेरे लिए तो हर फिल्म एक ही है? नहीं, मुझे प्रेशर होता है जो नॉन एक्टर होते हैं, जो लाइक फॉर एग्जांपल कहीं से अभी आपने बाजार से ऐसे ही चलो यार एक्टिंग करोगे क्या, उनसे ज्यादा डर लगता है. या लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कोई डॉग है या कोई गाय है, भैंस है, इनसे ज्यादा डर लगता है, या कोई बच्चा है उससे ज्यादा डर लगता है मुझे, क्योंकि वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और वो अच्छे लिखने हैं. आप कितनी भी एक्टिंग कर लो उनके सामने, वो उनको अच्छे दिखते हैं, उनसे ज्यादा डर लगता है मुझे, बजाय इसके कि जो आपने पॉपुलर नाम लिए
ये पॉपुलर नाम है मेरे लिए, बड़े एक्टर वो हैं जिनके जिनको जिनके सामने मैं अगर कुछ भी करूंगा और मैं झूठा ठहराया जा सकता हूँ या डिसऑनेस्टी मेरी रिफ्लेक्ट हो सकती है, उन एक्टर के सामने मुझे काम करते डर लगता है। और वो बच्चे होते हैं या तो या जानवर होते हैं या नॉन एक्टर्स होते हैं, जैसे किसी को पकड़ के लिया है, किसी मैकेनिक का कोई रोल है फिल्म में और किसी सचमुच मैकेनिक को लिया आया है ना, उससे ज्यादा घबराता हूँ क्योंकि वो अच्छे ही लगने हैं, क्योंकि अनकन्वेंशनल है वो, और जो भी डायलॉग डिलीवरी होगी, जो भी परफॉर्मेंस करेंगे, वो बहुत ही रियल होगी और अच्छे लगेंगे। बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने कहा, क्योंकि आप इतनी ऑनेस्टी लेके आते हो फ्रेम में। योर इज ऑल इट्स ऑलवेज अबाउट ऑनेस्टी। आई मीन यू कैन नॉट लाई टू द कैमरा। आप झूठ नहीं बोल सकते कैमरा के साथ। जो भी होता है दिख जाता है, खराब एक्टिंग हो या अच्छी एक्टिंग हो, इट्स ऑलवेज ट्रू। जाता है एब्सोल्युटली। करेक्ट। एंड विद सीरियस मैन जो आपको प्रशंसा मिली है, जो लव मिला है, जो रिव्यूज आए हैं, ऑल ऑफ दैट हैज बीन वेरी यूनानिमसली सेइंग कि नवाज भाई जो चॉइसेस करते हैं, जैसे आपने मुझे बताया कि आपके लिए कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है फिल्म या स्टोरी से। सीरियस मैन में ऐसी ऐसा कोई सीन या ऐसा कोई वाकया रहा जहाँ पे आपको लगा कि भाई ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, या ये कोई एक चैलेंज था एक सीन या कोई कैरेक्टर करने में, कोई रो सीन करने में? उसका कैरेक्टर करने में ऑफकोर्स बहुत सारे सीन थे इसमें, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे वो स्कूल में जाता है अपने बच्चे को लेके और झूठ बोलता है कि मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड और यहाँ यहाँ से ऑफर आ रहे हैं उसके, ये वो, इस तरह की जो बातें करता है। लेकिन अपने बेटे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है और अपने बेटे को भी किसी हद तक ले जा सकता है, ये एक बाप नहीं कर सकता, क्योंकि अपने बेटे को जिस तरीके से टॉर्चर किया है उसने सीरियस मैन में, उसकी फिजिकली मेंटली हालत खराब कर देता है, प्रेशर डाल डाल के, नहीं तुझे ये याद करना पड़ेगा, ये कर हम, नहीं तो हमारा, मे बी वो उसके जनरेशन टू जनरेशन होता आया और उसको एंग्स है उस चीज का, उस फादर को, और अपने बेटे से वो पूरा करवाना चाहता है। बच्चों पे भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए और इतनी कम उम्र में प्रेशर डालना है वो आदमी, तो ये मैं तो नहीं कर सकता हूँ, और इसलिए मेरे लिए वो बहुत डिफिकल्ट कैरेक्टर भी था अगर देखा जाए। करेक्ट। बिकॉज लाइक यू कैन नॉट डू इट इन रियल लाइफ। आप अपनी खुद की यस, जिंदगी में कभी एज अ फादर यू वुड हैव एज नेवर ए डन। फादर कभी नहीं सो कर सकते, बिल्कुल। करेक्ट, दैट वॉज द चैलेंज फॉर यू। माई लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, थिएटर्स ओपन हो रहे हैं कुछ ही दिनों में, थिएटर्स खुलने वाले हैं और अ लॉट ऑफ ऑडियंस विल बी रिटर्निंग टू थिएटर्स विद अ लॉट ऑफ होप कि काफी फिल्में आए बाहर, काफी फिल्में अटकी हुई थी। वॉट इज योर रिएक्शन एंड वॉट इज द मैसेज यू वॉन्ट टू गिव टू पीपल हु आर कमिंग बैक टू थिएटर्स? थिएटर खुल रहे हैं 2 साल के पैंडेमिक के बाद, लॉकडाउन के बाद थिएटर खुलेंगे, लोग आएंगे। मैं इतना ज्यादा वो नहीं हूँ कि भाई अगेन फिर वही मोनोपोली शुरू हो जाएगी उनकी, कि कोई 4,000 स्क्रीन पे बैठ गया, के धमक गया जिसके पावर है जिसके हाथ में, और कोई 5,000 स्क्रीन पे बैठ गया और फिर बॉक्स ऑफिस की बात करते हैं तो अरे भाई अगर 4,500 पूरे पूरे हिंदुस्तान के स्क्रीन पे आप ही बैठे हो तो 30 करोड़ 35 करोड़ तो ऑटोमेटिकली होंगे। अगर आप कुत्ते बिल्ली की भी पिक्चर रिलीज करते हो 4,500-5,000 स्क्रीन पे, उसके भी 20 से 30 करोड़ होते हैं एक दिन के, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लोगों ने पेंडेमिक के दौरान अच्छा सिनेमा देखा होगा, ओटीटी पे या वर्ल्ड वाइड सिनेमा देखा होगा, थोड़ा एजुकेट हुएंगे लोग, देखें आके जो अच्छी फिल्में बनती हैं हमारे यहाँ, जो अच्छे एक्टर्स हैं उनको आके देखें, ना कि वो घिसा पिटा फॉर्मूला देखें वापस से फिर से शुरू कर दें वो, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लोग अच्छा सिनेमा देखने जाएंगे। That is a very interesting perspective and it's a very different, unique message. What can fans expect from Nawaz bhai? आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और अब हम क्या देखेंगे आगे जाके आपसे? आने वाली कुछ फिल्में हैं जिन पे मैं जिनकी शूटिंग भी कर रहा हूँ और करने वाला हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे अद्भुत, मैंने एक फिल्म अभी शूटिंग चली, इसके बाद कर्ना की फिल्म है जो उनके प्रोडक्शन की फिल्म है, मनी कर्णिका की, टिकुवेड शेरू, वो कर रहा हूँ। Nawaz bhai, lovely chatting with you. एंड आपसे बात करने में हमेशा मजा आता है, बिकॉज आप कुछ ना कुछ एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देते हैं हर एक चीजों पे। सो थैंक यू सो मच एंड वील कनेक्ट थैंक यू सून। मैडम। टेक केयर। थैंक यू सो मच। बाय।